खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां पर कौशाम्बी जिले में बीजेपी कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में उद्यान एवं कृषि विपणन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बीजेपी कार्यालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। वहीं दिनेश प्रताप ने कहा कि पक्ष हो या फिर विपक्ष, तिरंगे के सम्मान के लिए एक है, सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस मौके पर बिहार की राजनीति पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी को ना ही नीतीश कुमार की जरूरत है और ना ही तेजस्वी यादव, इन सब से बीजेपी कमजोर नहीं होगी। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आज मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं जरूर, लेकिन आज हम राष्ट्र की बात करने के लिए आए हैं। तिरंगा किसी एक व्यक्ति अथवा एक पार्टी का नहीं है, ना तो यहां बिहार का विषय है, ना तो यहां राजनीति का विषय है, ना यहां दल का विषय है, सिर्फ विषय है यहां पर राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रभक्ति का और उन लोगों को याद करने का जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। नीतीश के बगैर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई जा रही है और ना ही तेजस्वी यादव की बदौलत भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बदौलत है, राष्ट्रवाद की बदौलत है, राष्ट्र प्रेम की बदौलत है, राष्ट्र भक्तों की बदौलत है, तो हमको इनकी जरूरत नहीं है। अगर इनको कोई तकलीफ हो तो ये बात उनसे आप पूछिए।